माय चैनल योर केबल चैरेट्स एंड टुडे इन दिस वीडियो फॉर तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि इनका रिश्ता कब तक रहेगा, क्योंकि पिछले सेशन में ठीक नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं इसमें ये जानने की कोशिश करूंगी कि कब तक रहेगा ये रिश्ता और इस साल क्या दिखा रहा है इन दोनों का रिश्ते में। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दोनों के रिश्ते कब तक रहेगा, ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे फैंस हैं जानना चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता क्या इस साल तक रहेगा। अगर इस साल तक रहेगा, 2022 में रहेगा, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन डेथ का कार्ड है, अगेन जो है इसी साल जो है इन लोगों का बहुत ही दुख भरा सेपरेशन होगा, इसमें डेथ का कार्ड है। मैं इसमें ये पूछ लेती हूँ कि क्या फरवरी का मंथ चल रहा है। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या फरवरी के मंथ में, इसी मंथ में क्या ये घटना होगी इन दोनों के सेपरेशन का, यहाँ दिखा रहा है। जो अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि ये फरवरी का इसी महीने का है, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। जस्टिस का कार्ड है और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के क्या एंड तक होगा ये भी मैं जानना चाहूंगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि क्या फरवरी के एंड में जा कर के इनका रिश्ता जो है वो क्या दोनों अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसी घटना होगी कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है और यहाँ पे फरवरी के एंड तक दिखा रहा है। मैं मार्च का एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि इसमें मार्च में इन दोनों का क्या दिखा रहा है। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मार्च में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा क्या एक साथ दिखेंगे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि मार्च के महीने में ये नहीं दिखेंगे। ये नेगेटिव कार्ड है, इसमें ये दिखा रहा है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, बहुत दूर चले जाना, एक दूसरे से बहुत दूर चले जाना, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक अलग दुनिया में चले जाना, ये एक तरीके का मैसेज है। कॉन्टैक्ट में ही ना रहना, बहुत दूर चले जाना। मैं इसमें ये जानना चाहूँगी कि क्या होगा इस फरवरी के मंथ में, क्या क्या इन दोनों के बीच में क्या क्या होगा ये मैं जानना चाहूँगी। क्या क्या मोमेंट्स आएंगे, क्या घटनाएं होंगी, मैं जानना चाहूँगी करण कुंद्रा जी और तेजस्वी प्रकाश, दोनों बहुत ही एक अच्छे काबिल एक्टर एक्ट्रेस हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इसमें ये मैसेज आ रहा है कि अगेन किसी थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने अभी जो रिसेंटली मैंने जो किया था प्रेडिक्शन, उसमें ये थर्ड पर्सन का कार्ड आया था। दैट मीन्स कि कोई डेविल टाइप का व्यक्ति है जो कि इनके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि रिश्ता ना रहे, और दोनों को रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे माइंड में चिड़चिड़ापन सा जैसे होता है ना, कि परेशान हो जाना एकदम से, कि कोई जो ना परेशान करता रहे और आदमी परेशान होता रहे, ये चीज़ इसमें यहाँ पे बहुत शो हो रही है। और इसमें इनकी प्रोग्रेस होते हुए जो है, जो होनी चाहिए प्रोग्रेस प्रोफेशनली करियर वाइज, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। कोई गलत तरीके से इनको डोमिनेट करेगा, और जैसे होता है ना कि किसी को दबा के निकल जाना, डोमिनेट करना गलत तरीके से, ये इसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है। और ये लोग अपनी किस्मत आजमा नहीं पाएंगे रिश्ते में जो एक होना चाहिए लवर्स के बीच में। और किसी थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, कोई जना बराबर से इन पे नज़र रखे हुए कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और वो बहुत जलनखोर व्यक्ति है, मतलब जेलस है बहुत ज़्यादा कि ये दोनों क्यों मिले, मतलब हर समय इन्वॉल्व रहना, दो लवर्स के बीच में हर समय इन्वॉल्व रहना, ये देख के जलना, ये रिश्ते में इनकी जलसी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ये जलनखोरी का शिकार जो है इनका रिश्ता जो है, या आप कह लीजिए कि इनका रिश्ता जो है वो जलनखोरी का शिकार हो रहा है। एक्चुअली मैं इसमें ही देख लेती हूँ कि ये पर्सन है कौन, मेल है कि फीमेल है।
मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये पर्सन, थर्ड पर्सन पिछली बार भी आया था, ये थर्ड पर्सन क्या कोई मेल है? अगर मेल है, कोई पुरुष है, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा कि ये कोई मेल है। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये कोई नेगेटिव कार्ड है, मेल नहीं है। फीमेल पूछती हूँ मैं कि फीमेल है क्या मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि करण कुंडा जी के बीच में और तेजस्वी प्रकाश, इन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई फीमेल है क्या? थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन क्या कोई फीमेल है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाए, पॉजिटिव कार्ड है, एंजल्स का एक कार्ड है। और कोई फीमेल है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये भी मैं देखना चाहूँगी कि किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और क्या चाह रही है वो, किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो, जिससे सावधान हो जाना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं आपको बता दूं, वो अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा इस्तेमाल कर रही है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। हर तरफ से उसने अपना दम लगा रखा है, हर तरफ से अपनी उसने अपनी माइंड सेट करके रखा हुआ है कि मुझे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही करना है कि इन दोनों का सेपरेशन हो जाए। कोई फीमेल का इसमें दिखा रहा था। और इसमें यह भी है कि वो सेपरेशन के बाद वो चाह रही है कि एक नई शुरुआत हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ नई शुरुआत हो। और वो ये भी चाहती है कि सेपरेशन के बाद जो यहाँ दिखा रहा है, उसका पर्पस दिखा रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो कि इन दोनों का रिश्ता टिकने वाला नहीं है, वो इस बात को ही बहुत अच्छे से जानती है। अगेन फीमेल का ही कार्ड है। वो कोई ऐसी लेडी है जो कि बहुत ही उसके मन में जो क्वालिटी दिखा रहा है, बहुत ही लव केयरिंग और अफेक्शन, मतलब खुद जो है वो बहुत ज़्यादा मदरली केयर रखती है, बहुत ज़्यादा प्यार है उसके अंदर और पाना चाहती है प्यार, ये इसमें बहुत साफ नज़र आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि ये किसी ऐसे मेल के पीछे पड़ी हुई है जिसके जो बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस है। दैट मीन्स कि ये करण कुंद्रा जी के लिए ही शायद आया होगा कि ये बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है, जैसे कि होता है ना कि ये चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और एक्चुअली में हम दोनों की शादी हो या हम दोनों मिलें, क्योंकि ये कार्ड हैप्पी न्यूज़ का है। हैप्पी न्यूज़ पाना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, है खुशियाँ जाना पाना चाह रही है वो एक्चुअली वो लेडी, क्योंकि लेडी और यहाँ पे एक मेल का ही कार्ड है। दैट मीन्स दैट लेडी इज़ मेल वॉन्टेड, एक्चुअली दैट लेडी वॉन्टेड दैट मेल टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो वो मेल, ये वो चाह रही है। और हैप्पी न्यूज़ आए, ये इसका पर्पस है और ये इसमें बहुत साफ मैसेज है। तो आई थिंक कि मैसेज क्लियर हो गया होगा कि कब तक इनका रिश्ता टिकेगा और ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। आई थिंक कि इस पर कुछ वर्कआउट किया जा सकता है, अगर इसको अवॉइड किया जा सकता है तो। बाकी जिसकी जो किस्मत में है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।